और नीचे होगा ठीक है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد सबसे पहले बोर्ड में यहाँ पे देखिए कुछ इसम हम लिखे हैं बोर्ड पर। इसम का जमा क्या है, प्लूरल क्या है? इसम मतलब नाम या नाउन, उसका प्लूरल क्या है? अस्मा। बहुत अच्छा, इस्मुन जमा अस्माउन, अस्माउन ठीक है। तो राइट हैंड साइड में इस तरफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ इसम देख रहे हैं। क्या है पढ़िए, कलमुन, मक्तबुन, सरीरुन, फसलुन। सबका माने बताया आपको, फसलुन मतलब होता है क्लासरूम, फसल ठीक है, फसल क्लासरूम, शरीर बताया बेड। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, तनवीन लगा करके, जैसे नॉर्मल अरबी का इसम पढ़ा जाता है वैसे ही क्या कर रहे हैं हम लोग इसको जी। पढ़ रहे हैं। अब इस तरह आइए, हाँ ये तो ये कैसा इसम है, इसम क्या लिखा हुआ है, मुजक्कर, इसम मुजक्कर। तो हम इसमें हरकात नहीं लिखे हैं, तो कोई अगर पढ़ेगा मजक्कर, मिजक्कर, मुजिक्कर नहीं, ठीक है, आपको पता है कि इसका मतलब क्या पढ़ा जाएगा, मुजक्कर ठीक है। तो इसम मुजक्कर माने मैस्कुलिन नाउंस। तो ये सब अरबी में क्या है, मैस्कुलिन है, यानी कि मुजक्कर है ये सब अस्मा। अब सवाल पूछा जाएगा कि क्यों ये मुजक्कर है, क्या देख के आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, मुजक्कर है, मैस्कुलिन है, क्या देख के पता चल रहा है? तन्वीन दम्मा नहीं, लास्ट में ता मरबूता नहीं है, बस एक ही यहाँ पर निशानी है इसका मुजक्कर होने का कि एब्सेंस ऑफ ता मरबूता, ता मरबूता यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 99.9% चांस है कि जिस इसम में गोलता नहीं है वो इसम क्या होगा, मुजक्कर होगा, 99.9%। अब इस तरह आइए, इस तरह भी कुछ अस्मा लिखे हैं हम, कैसे पढ़ा जाएगा बताइए, सा'अतु या सा'अतुन, बताइए सा'अतुन पढ़ा जाएगा या सा'अतु पढ़ा जाएगा, सा'अतुन, ये गुरफतुन, ये तो लिखा ही हरकत सब। उसके बाद हकीबतुन, उसके बाद सय्यारतुन। तो साअतुन मतलब क्या होता है, साअतुन मतलब यहाँ माने कुछ ऑब्जेक्ट, चीज, वॉच, घड़ी ठीक है। साअतुन मतलब घड़ी, और साअतुन आगे हम लोग करेंगे इसका मतलब घंटा भी होता है, और कितना बजा है अभी उस माने में ठीक है। असाअतुल खामिसा माने 5 PM इस माने में ठीक है, वो देखेंगे। तो साअतुन मतलब क्या है, अगर सिर्फ साअतुन आए तो माने क्या होगा उसका, वॉच, घड़ी ठीक है। और साअतुन मतलब कुरान में क्याम, यौमुल क़यामा भी है, हाँ ठीक है, साअतुन का मतलब यौमुल क़यामा भी है। तो यहाँ हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं घड़ी का, ऑब्जेक्ट का। तो साअतुन, गुरफतुन मतलब रूम, कमरा। हकीबतुन मतलब बैग। सय्यारतुन मतलब गाड़ी, कार। तो ये चारों क्या है, इसम मुअन्नस, इसम मुअन्नस। क्या निशानी है इसम मुअन्नस का, ता मरबूता का मौजूद होना। तो अगर किसी अरबी नाम में आपको ता मरबूता मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, वो 99.9% फेमिनिन है, मुअन्नस नाम है।
ठीक है, तो ये पॉइंट जो 1% छोड़े हैं, मतलब क्या कुछ एक्सेप्शन है कि गोलता होगा फिर भी होगा मैस्कुलिन, यहाँ पर गोलता नहीं है फिर भी होगा क्या फेमिनिन, ठीक है। मिसाल नफ्स, नफसुन, नफसुन कहाँ जाएगा पता आपको, इधर जाएगा नफसुन, अर्द जमीन, अर्थ, अर्दुन भी यहाँ भी जाएगा, ठीक है, गोलता नहीं है फिर भी, ठीक है। और लफ्ज है कुछ खलीफा, खलीफा गोलता है लेकिन जाएगा कहाँ मुज़क्कर में, खलीफतुन, खलीफा, मुआविया भी जो अब बोले थे, हाँ वो तो खैर आ रहा है। अब तो ये अब कुछ अस्मा हम लोग कर लिए, ठीक है, अब आगे बढ़ के अब पढ़िए क्या लिखा गया है। खालिदुन आमिनतुन, 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 खालिदुन, ठीक है, खालिदुन, उसके बाद आमीन, हाँ तो अब ये अच्छा, ये हमजा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये हमजा है और उसके बाद क्या है अलिफ है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते सीधा, इसको हटा करके आमिना का स्पेलिंग ऐसे भी हो सकता है और कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमजा और अलिफ, तो आमिना अगर देखिएगा अरबी में, आप कुछ किताब में ऐसे लिखा होगा, कुछ किताब में हमजा अलिफ लिखा होगा, कुछ किताब में ऐसा अलिफ पर मद होगा, ठीक है, दो तरीके से। तो हम लोग जो किताब पढ़ेंगे दुरुस्तुल लुगा में ऐसा ही स्पेलिंग दिया हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या है, हमजा और अलिफ, आमिनतु, टानना नहीं है इसको, लेकिन आमिनतु, हमजा और अलिफ, आमिनतु, मतलब एक ही बार टनाएगा जैसे अलिफ टन आता है बस। तो खालिदुन आमिनतु, तो खालिदुन, अब बताइए खालिद लफ्ज और ये चार लफ्ज में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, ये चार अस्मा है, ये भी मुज़क्कर और खालिदुन ये भी मुज़क्कर, लेकिन खालिद और इन चार अस्मा में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, आलम है, आलम है, यानी कि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सेम उसी तरीके से आमिनतु और इसमें चार में क्या फर्क है, आमिनतु क्या है प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये वाला सेट भी मुअन्नस है और आमिनतु या खदीजतु, ठीक है, या ज़ैनबु या मरियमु, ये भी क्या है मुअन्नस है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं फर्क क्या है इन चार अस्मा में और इसमें, उसमें तन्वीन दम्मा, हाँ तन्वीन है इसमें और इसमें क्या तन्वीन नहीं है, क्यों नहीं है, क्या कायदा बताए थे हम, क्या यहाँ ऐसा है क्या तनवीन के अदबार से यहाँ पर कुछ फर्क है इसमें, इसमें नहीं है, ये वाला सेट और ये खालिद बराबर है किसके अदबार से, आखिरी हरकात के अदबार से, हाँ हम माने अलग है इसका, ये आलम है, ये आलम नहीं कॉमन नाउन है, इस्मुल जिन्स है, चीज का नाम है, कोई चीज कोई कैटेगरी का नाम है, ठीक है, इस्मुल जिन्स, ये होगी आपका आलम, इस्मुन आलम, लेकिन ये और ये कॉमन है किस अदबार से कि दोनों खत्म हो रहा है क्या तनवीन पर, तनवीन दम्मा पर खत्म है, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हरकात के अदबार से ये चार अस्मा और इसमें क्या है फर्क है, क्या फर्क है कि मुअन्नस, मुअन्नस इसम अगर अलम हो, ठीक है, माने इस्मुन अलमुन मुअन्नसुन, माने मुअन्नस इसम है अगर वो आलम है तो वो क्या करे, क्या लेगा एक दम्मा, और आलम नहीं है अगर कॉमन नाउन है कोई चीज का नाम है तो फिर वो दो दम्मा, लेकिन अगर फेमिनिन प्रॉपर नाउन है तो क्या होगा एक दम्मा, ठीक याद रखिए, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साअतु, हकीबतु, सैयारतु, नहीं, क्योंकि ये जेनरिक है, कॉमन नाउन है, ठीक है, ये तू एक दम्मा हम कब पढ़ेंगे जब आलम का बात आएगा, प्रॉपर नाउन का बात आएगा तब एक दम्मा पढ़ा जाएगा आमिनतु, ठीक है, ऐसा जितना अरबी का नाम है वो क्या है मुअन्नस, आलम, ठीक है, आलम पर क्या होगा एक दम्मा होगा, तनवीन नहीं होगा, तनवीन नहीं होगा, तो उसका एक्सरसाइज अभी आने वाला है इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा, ये क्लियर है। फिर हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे, लफ्ज है
मुस्लिमुन, इसको अगर हम लोग को बनाना है फीमेल फेमिनिन तो क्या करेंगे हम लोग, मुस्लिमतुन। तो हम लोगों ने क्या किया, गोल था लगा दिया, गोल था क्योंकि फेमिनिन का निशानी है औरत, मुअन्नस का निशानी है, और दम्मा जो था मीम से हट करके कहाँ आ जाएगा, दम्मा मीम पर था ना, तनवीन तो आखिरी में होगा इसम का, तो तनवीन आना पड़ेगा उसको ता पर, गोल ता पर, और तो मीम क्या हो गया, ये जबर उसमें खाली हो गया, खाली हो गया तो क्या करते हैं उसमें फतहा लगा देते हैं, अब क्या पढ़ा जाएगा ये मुस्लिमतुन, मुस्लिमा, मुस्लिमा कहते हैं वक्फ करने में है ना, मुस्लिमा मुशरिका। तो अब ये मुस्लिमुन मतलब एक मुस्लिम मर्द, मुस्लिमतुन मतलब एक मुस्लिम औरत, ठीक है, एक मुस्लिम औरत, ठीक है, अरबी में सिर्फ गोलता लगाने से ही वो औरत वाला माने यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मतलब अरबी का ऐसा कुछ इस्म है जो जिसको हम मुज़क्कर से मुअन्नस बना सकते हैं, मुज़क्कर से मुअन्नस बना सकते हैं, मुस्लिम को बना दिए मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन। अब आप बताइए मोमिन का क्या बनेगा, मोमिन का स्पेलिंग क्या है, मीम हमजा रहेगा मोमिन, हाँ हमजा कुर्सी क्या है, वाओ मोमिनुन, ठीक है मोमिनुन। कुछ लोगों के लिए हमजा पढ़ना बहुत मुश्किल है, खास करके मगरबी मोरक्कन के लिए ये उस पर कुछ कबीले पर ये क्या वाओ पढ़ लेता है वो लोग मोमिन, जैसे यहाँ पढ़ाया था ना मोमिन, तो कुछ इलाका ऐसा है जो कि जिसके लिए हमजा ये पढ़ना बहुत मुश्किल है, अटक रुक नहीं सकता वो, तो मोमिन पड़ेगा, ऐसा भी है, ठीक है। तो मुमिनुन इसको क्या करेंगे, मुमिनतुन मुमिनतुन मुमिनतुन। फिर एक चीज बता देते हैं, गोलता लिखने का अच्छा तरीका क्या है, ऐसा है यह ओरिजिनल तरीका, ठीक है, ऐसा शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग इस तरीके से, लेकिन बता दिए फिर से हम क्लास में, अगर गोलता ज्वाइन हो रहा है तो ये एक्चुअल तरीका ये होता है, थोड़ा खूबसूरत अंदाज, लेकिन मेरा हैबिट है इस तरीके से लिखने का, ठीक है, ऐसे और भी लोग लिखते हैं कि एक्चुअल अगर आप देखिएगा तो ये अंदाज लिखने का गोलता ऐसा, ठीक है, याद रखिए किताब आप देख सकते हैं कुरान के स्क्रिप्ट में, तो ये पहले बता चुके हम अभी बता दिए। तो मुस्लिमुन मुमिनतुन, तो अरबी का जो कुछ अस्मा जिसको जो मुज़क्कर उसको हम मुअन्नस बना सकते हैं सीधा सीधी क्या करके, गोलता का एडिशन करने से, और फिर जो खाली हो जाएगा उसके पहले वाला जो लेटर होगा क्या होगा, फतहा ले लेगा, मुमिनतुन मुशरिकतुन, मुदर्रिसुन मुदर्रिसतुन, मुहंदिसुन मुहंदिसतुन इंजीनियर फीमेल इंजीनियर, तबीबुन तबीबतुन तबीबतुन, ठीक है। तो क्या हम ऐसा हर मुज़क्कर के साथ कर सकते हैं जी, अगर हम कलम पकड़ते हैं कहते हैं कलम को मुअन्नस बना देंगे हम, तो क्या पॉसिबल है, कलम उनको क्या करेंगे, कला नहीं हो सकता, कलमतुन बोलेगा कलमतुन बना दे, तो ये तो कोई शख्स है असल मुज़क्कर है उसको हम क्या किए बना लिए मुअन्नस, तो हो गया मुस्लिम मुस्लिमतुन, लेकिन कलमुन तो एक क्या है चीज़ है, तो कलमुन एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर गोलता देंगे हम तो कुछ फीमेल कलम नहीं बनने वाला हो बल्कि कुछ और माने हो सकता है उसका, ठीक है, जैसे कि मकतबुन, मकतबुन में अगर हम गोलता लगा देंगे क्या पढ़ा जाएगा, मकतबतुन मकतबतुन, तो मकतबुन मतलब क्या होता है, मेज टेबल, लेकिन अगर गोलता लगा देंगे हम मकतबतुन तो क्या हो जाएगा, फीमेल टेबल नहीं, तो माने क्या हो जाएगा, मकतबा का लाइब्रेरी, ऐसा चीज हो जाएगा। तो अगर आप सोचिए कि नहीं ये फीमेल टेबल या फीमेल टेबल बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन माने ही कुछ और हो जाएगा, मकतबुन हो जाएगा मकतबतुन, ठीक है, मकतबा इस तरीके से। तो हर चीज का मुदक हर चीज को आप मुअन्नस नहीं बना सकते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि गैर आकिल को हम मुअन्नस नहीं बना सकते, हाँ वही बात है, क्योंकि ये जो आकिल वाला है वही क्या होगा मुअन्नस बनता है, ठीक है।
अगर किसी गैर अकील को बनाएंगे हम तो फिर वो क्या होगा, कुछ और मीनिंग बन सकता है जो हमको पता नहीं। कोई किसी ऐसा बना दे कोई शख्स तो उसको कुछ और माने आ सकता है इसमें, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से अगर हम हटा देते गोलता तो बन जाएगा फीमेल, मेल बन जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ और माने बन जाए। खैर ये होगी हम लोग कर लिए मुज़क्कर अस्मा मुअन्नस अस्मा, अस्मा माने जमा प्लूरल नाउन्स, ठीक है। ये हुआ आपका जेनरिक कॉमन नाउन, ये हुआ आलम नीचे वाला, और ये हुआ क्या इसी को कॉमन नाउन को ही क्या कर रहे हैं मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कायदा जो हम लोग लास्ट टाइम देख चुके हैं, ठीक है। कुछ सवाल यहाँ पे तो पूछिए। ठीक है आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं आप यहाँ पे प्रोनाउंस में दमीर, दमीर का हम लोग किए थे जी। जान भाई आप बताइए दमीर याद हुआ? बताइए बिना देख के। हुआ हुमा हुम ठीक है। चलिए आप बताइए हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु, ठीक है। आप बताइए कैमरामैन क्या याद हुआ आप? ठीक है तो इसको आपको क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गया है। तो हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु, ठीक है। इस तरीके से और भी कुछ लोग और तेजी से पढ़ते हैं, मतलब कायदा होता है एकदम पढ़ना पड़ेगा चार पाँच सेकंड में, ऐसा बताया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये शुरुआत है अभी, इस तरीके से रैपिड स्पीड में आपको और बहुत कुछ याद करना है फेल इंशाल्लाह। लेकिन फेल को याद करने के पहले दमीर का कॉन्सेप्ट, दमीर पूरा याद होना चाहिए। कितना दमायर अरबी में टोटल दमीर 14, 14, ठीक है। वो दोनों वो सब मेल, ठीक है। वो दोनों वो सब फीमेल होगी, अच्छे। इसी तरीके से सामने में तीन मुज़क्कर मुअन्नस होगी, 6, 6, 12, और बोलने वाला अना नहनु, ठीक है। तो हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, हुआ माने वो सिंगुलर, क्या कहते सिंगुलर को अरबी में? मुफरद। हुमा माने वो दोनों, क्या कहते हैं? मुसन्ना, मुसन्ना। हुम माने वो सब, जम, ठीक है। प्लूरल सिंगुलर डुअल प्लूरल, इस तरीके से आपका मुअन्नस के लिए हिया हुमा हुन्ना, ठीक है। मुखातब सामने वाला सेकंड पर्सन, अंता अंतुमा अंतुम तुम दोनों तुम सब अंति अंतुमा अंतुन्ना, ये हो गया मुअन्नस, तुम दोनों तुम सब। उसके बाद मुतकल्लिम स्पीकर फर्स्ट पर्सन अना नहनु, ठीक है। अना मतलब वन, मैं, आई, ठीक है। अगर आप दोनों के भी दो, आप लोग दोनों कह रहे हैं एक साथ, या दो के बिहाफ में आप कह रहे हैं, या दो से ज्यादा के बिहाफ में आप कह रहे हैं, तो नहनु होगा, मतलब वी और अस दोनों के लिए नहनु। हाँ हाँ ठीक है। वी और अस का कैसे इंग्लिश की तरह मीनिंग आएगा तो हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल अभी आप क्या मान के चलिए वी, आई एन वी, दो आदमी के लिए कहना है तो दो आदमी के लिए अलग से वर्ड नहीं है। जैसे कि गायब और मुखातब में थर्ड सेकंड पर्सन में, वैसे फर्स्ट पर्सन में डुअल नहीं है, डुअल के बदले क्या कहिएगा आप? नहनु ही कहिएगा, ठीक है। मुसन्ना और जम दोनों है ना? हाँ, मुसन्ना और जम के दोनों के लिए क्या है? नहनु है, ठीक है। तो मूसा अलैहि सलाम जब कहते हैं कि हारून को भी आप मेरे साथ भेजिए, तो नहनु का ही इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। ठीक है, नहनु का सीगा ही है मतलब, अच्छा। ठीक है, नहनु वाला लफ्ज ही है आएगा, ठीक है। तो जब दो आदमी भी कह रहा है तो वही होगा, और जब दो से ज्यादा भी कह रहा है तो नहनु ही कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हम लोग
हाँ आगे बढ़ने के पहले रिवाइज करा देते हैं क्या फेल इसम कलिमा के अकसाम हम लोग किए थे कलिमा कितना तरह का होता है तीन तरह का कलिमा होता है यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहला क्या है इसम उसके बाद उसके बाद हर्फ 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 का जमा है हुरूफ या अहरूफ हुरूफ पकड़ेंगे ठीक है इसम फेल और हर्फ यहाँ पर जो बोर्ड में हम लिखे हैं जितना भी लफ्ज यहाँ पे लिखे है बोर्ड में क्या है सब का सब सब इसम सब इसमें ठीक है सब इसमें अब बोलिएगा ठीक है ये तो समझ में आ रहा है इसमें मुजक्कर नाम मुअन्नस नाम लेकिन यहाँ पे जब आ रहे हैं हम लोग हुआ हुमा हुम ये तो कैसा है इसमें हाँ तो ये तो किसी नाम के बदली में ना रहा है तो क्या हो गया इसम हो गया इसमें बदल भले ही इसमें इसम का जो निशानी हम लोग पढ़े हैं क्या तनवीन होना अक्सर नाम में क्या होगा इसम का आखिरी में तनवीन होगा दो दम्मा होगा और औरतों का नाम होगा अगर आलम होगा तो एक दम्मा होगा लेकिन इस तरह का इसम में ये दिखाई नहीं देता है ठीक है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बमीर प्रोनाउन ठीक है बमीर का जमा बमायर तो ये आपका प्रोनाउन है इसमें इसम का जो निशानी है तनवीन वगैरह वो नहीं है लेकिन फिर भी क्या ये दमीर जो है वो इसम के किस्म में ही आता है क्योंकि इसम के इसम जो है उसके बदली में ये इसम मतलब नाम के बदली में आ रहा है तो दमीर भी इसम के अंदर कैटेगरी में ही जाएगा जैसे हम लोग इसम कौन कौन सा किए हैं अभी तक इसमें इस्म इशारा किए हैं हाजा अजाली का वो भी इसम के अंदर में आ रहा है ठीक है और क्या किए हैं इसमें इस्तेफाम किए हैं सवाल करने वाला इसम माँ और मन वो भी इसम के अंदर गया ना इंटरोगेटिव नाउन्स थर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोनाउंस वो भी इसम के सब अंदर ही में ठीक है सब सब इसम है यहाँ पे तो फेल और हर्फ फेल किसको कहते हैं काम को काम जिसमें तसव्वुर हो किस चीज का दो चीजों का टेंस का जमाना का और एक डुअर का करने वाले का तसव्वुर हो ठीक है और हर्फ जो ना इसम है ना फेल है उसको क्या कहेंगे हर्फ मतलब जिसका मीनिंग डिपेंडेंट है फेल पर या इसम पर अपने में उसका मीनिंग क्या क्लियर नहीं है उसको कहते हैं क्या हर्फ ठीक है कुछ भी आप अरबी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं चाहे कुरान की आयत है चाहे हदीस है अरबी न्यूज़पेपर है उसमें जो एक पन्ना पेज होगा उसको अगर डिवाइड किया जाए कि इसमें 10 सेंटेंस है हर सेंटेंस में 10 लाइन है 10 लाइन में जितना वर्ड आ रहा है या तो क्या होगा इसम होगा वो पर्टिकुलर एक वर्ड या तो फेल होगा या तो हर्फ होगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा ठीक है अब हम लोग पढ़े थे इसम के बारे में कि इसम में जो इसम कोई एक इसम लिखते हैं यहाँ पे बाब इसम का बहुत इम्पोर्टेंट फीचर हम लोग पढ़े थे क्वालिटी बहुत अहम कि इसम का तीन क्या होता है क्या होता है तीन हालत होता है हाँ मरफू मंसूब और मजरूर तीन हालत जो हम आपको वर्कशीट दिए हैं मतलब आपको नोट जो अब तक जितना क्लास में हुआ है अब तक इसके क्लास को छोड़ करके सब का रिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें है जो आपको दिया 6 पेज का ठीक है 6th पेज में एक्स्ट्रा है फेल वो अभी हम लोग किए नहीं करेंगे ठीक है तो जितना अब तक हुआ है वो सब का रिवीजन है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ है करने का टास्क जो हम बताएंगे आपको करना होगा घर में 5th पेज में वो दिया हुआ है जो करने का है तो हाँ तो वही हालत के एतबार से तो हम लोग जाने हैं कि इसम का कितना होता है तीन हालत पाया जाता है तो बाबुन उसका डिफॉल्ट स्टेट है नेचुरल स्टेट है बाबुन उसके बाद क्या हो सकता है ये कभी कभी बा बन भी हो सकता है और कभी कभी क्या हो सकता है ये बाबिन भी हो सकता है सेम क्या होगा किताबुन किताबन और किताबिन तीन हालत अरबी का अक्सर नाम मेजॉरिटी नाम जो होता है उसमें उसका क्या हुआ तीन हालत होता है तीन हालत में अलग अलग शक्ल इख्तियार होता है एक में अलामत क्या मरफू एक में अलामत क्या दम्मा एक में फतहा एक में कसरा ठीक है चाहे अब डबल कसरा डबल हो या सिंगल हो अगर ये लफ्ज़ अगर किताब ये अगर लफ्ज़ है हमारे पास में अलिफ लाम के साथ
ठीक है, बैतु अल बैतु ये हो गया अल बैता, ये हो गया अल बैती, ठीक है। तो ये तो एक है लेकिन है ना, एक हालत वही तीन हालत, बैतु बैता बैती, लेकिन यहाँ पर डबल 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 डबल, लेकिन यहाँ एक क्यों हुआ, अल लग गया, इसलिए अल लगने की वजह से वो सिंगल हो गया, नहीं तो फिर वो ओरिजिनल में दो ही था, डबल दम्मा ही था, ठीक है। अल बैतु अल बैता अल बैती, बाबुन बाबन बाबिन, किताबुन किताबन किताबिन, ठीक है। याद रखिए बस दो फतहा में एक अलिफ लगा दिया जाता है, दो फतहा में, सिंगल फतहा में अलिफ नहीं लगता है, दो फतहा में अलिफ लगा दिया जाता है बाबन, ठीक है। तो ये तीन हालत हम लोग पढ़े हैं जो बहुत अहम है स्टेट्स। तो क्या कहते हैं हालत को, मरफू और मंसूब, मजरूर, उसके बाद मजरूर, मजबूर नहीं मजरूर है ना, मजरूर मजरूर, मजबूर भी अरबी ही लफ्ज है, मजबूर मजबूर, सीगा समझ में आ जाएगा। अभी आप सीगा जब देखिएगा, सीगा पैटर्न अरबी ही लफ्ज है, मजबूर मकरू सब अरबी लफ्ज है, क्योंकि सीगा आपको बता रहा है स्ट्रक्चर, मफ़ऊल मफ़ऊल, ये वजन है इस पे, पैटर्न पे जितना लफ्ज आएगा वो क्या है अरबी है, देख के समझ में आ जाएगा, मैं सुन के समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले आपका अकल काम नहीं करेगा, पहले आपका कान काम करेगा, ऐसा भी है, ठीक है। इस तरह के अल्फाज शेख अब्दुलरहीम अपने किताब में लिखे हैं, जिनको उनका किताब है कैसे पढ़ाया जाए, उस किताब में वो ऐसे लिखे हैं कि इतना बार स्टूडेंट दोहराएंगे कायदा को कि उनका अकल के पहले उनका कान जो है इनकार कर देगा कि ये हो ही नहीं सकता, अच्छा ठीक है। अकल के पहले कान इनकार करेगा सबसे पहले, उसके बाद अकल इनकार करेगा कि अलिफ लाम लगने के बाद एक ही दम्मा हो। खैर, मरफू हालत, मंसूब हालत और मजरूर हालत। मजरूर मजबूर मतलब क्या होता है, जबर, जबर के उस पर तो हो गया हो मजबूर, ठीक है। जाबिर जबर करने वाला, मजबूर जिस पर जबर किया गया हो, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई हो, ठीक है। फातिह खोलने वाला, मफतू जिसको खोला गया हो, कारह नापसंद करने वाला, मकरूह जिसको नापसंद किया गया हो, ये स्टाइल है पैटर्न है जिसपे आपको माने मीनिंग समझ में आ जाएगा क्या मीनिंग होगा इसका, ठीक है। फोटो ले रहे हो जैसे कातिल, कॉपी नहीं कर पा रहे, ले लो इस तरीके, कातिल मक्तूल नहीं, नहीं वो तो एक्स्ट्रा लिखा चुके हैं, हाँ लिखा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 9:35 हुआ ना घड़ी में है, हाँ ठीक ठीक। तो आगे बढ़ते हैं क्लास, इस चैप्टर 4 हम लोग करना है दरसुल राबे। तो ये हम लोग जो चैप्टर में आएगा वो हम लोग कर लिए हैं, अब एक और पार्ट बाकी जो बहुत अहम है वो हम लोग करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। क्या हम लोग करने जा रहे हैं, फी आला मिन इला, फी आला मिन इला, आप पहले देख लीजिए, कॉपी करने का टाइम देंगे इंशाल्लाह। ये लफ्ज क्या है, अलबैतु अलबैतु, उसके बाद कहना है हमको टेबल,
टेबल के लिए क्या लफ्ज आएगा? अल-मक्तब। उसके बाद क्या है ना, इंडिया। इंडिया के लिए क्या लफ्ज है? हिंदुस्तान। अल क्या होगा? अल अल हिंदू। पूरा क्या पढ़ेंगे? अल अल हिंदू। हाँ, अल हिंदू। अल हिंदू, अल हिंदू मतलब अलिफ लाम हटा देंगे तो क्या पड़ेगा? अलिफ लाम हटाने से हिंदून, हिंदून। अलिफ लाम हटाने से अल हिंदू। अब लास्ट में बाजार को क्या बोलते हैं? मार्केट। सूक। अलिफ लाम के साथ क्या पढ़ा जाएगा? सूकू। ठीक है, अलिफ लाम हटा देंगे तो सूकून। अब इसको अलिफ लाम हटा के करते हैं। चलिए, ठीक है। फी, अच्छा इसको अलिफ लाम के साथ ही करते हैं, पैटर्न पे रहेगा तो ठीक रहेगा। असुकून, असु क्या चेंज होगा यहाँ पे? असुकू। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले बताइए, फी है और अल बैतू है। फी है और अल बैतू है, तो कैसे पढ़ा जाएगा ये? हाँ, तो फी, फी है ना, फी और अल बैतू। और ये हमजा कैसा हमजा है? ये हमजा जो है कैसा हमजा है? हमजतुल वस्ल। वस, वस्ल मतलब वस्ल मतलब इसको पढ़ना नहीं है, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। कभी कुछ कुछ मकामात में वस्ल, हमजतुल वस्ल को लिखा भी नहीं जाता, ड्रॉप कर दिया जाता टोटली, लेकिन अलिफ लाम में क्या लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कसरा है, कसरा के बाद क्या है? या है। अच्छा, या पर कुछ हरकत है? हरकत नहीं, तो इसका मतलब क्या है? जब किसी हर्फ पर हरकत नहीं होता है तो हम लोग क्या क्या है इसका मतलब? उस पर दम्मा है, क्या है? सुकून है। अच्छा, ठीक है, तो इसम पर होता है वो, वो क्या इसम पर होता है, अगर हरकत नहीं है तो फिर दम्मा समझेंगे। तो ये सुकून है ना। अब बताइए, उसके या पर सुकून है जज़म, उसके पहले क्या है? कसरा है। तो हम क्या करेंगे, या के, या को पढ़ रहे ना फी, और क्या पढ़ रहे हैं? अल। हमजा पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा है। तो या के बाद सीधा हम कहाँ जाएंगे? लाम पर। लेकिन या पर सुकून है, जज़म है, और लाम पर भी क्या है? जज़म है। तो दो सुकून जब आ जाएगा एक साथ तो अरबी में पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सकता, दो सुकून। तो कोई अगर लफ्ज ऐसा वर्ड अगर कोई लिखता है दो सुकून है, ऐसा लफ्ज मान लीजिए आ, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे कैसे? अत तो पढ़ दिए, अत अत, और उसके बाद में फिर कैसे पढ़े? दो सुकून जब आता है तो पढ़ा नहीं जा सकता। सुकून मतलब चुप है ना, एक को तो खुलना चाहिए, वावल होना चाहिए एक में, तो पढ़ा नहीं जा सकता। इसीलिए क्या करते हैं, पढ़ने में या ड्रॉप हो जाता है, लिखा जा रहा है या, लेकिन पढ़ने में ये वाला या नहीं रहता, ड्रॉप है। ठीक है, पढ़ा नहीं जाता है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? फील बही थी, नहीं फिल बही थी। तो लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ने में ड्रॉप, इसका मतलब क्या हो रहा है? फी में आपका या और हमजतुल वस्ल दोनों ही नहीं पढ़ा जा रहा है ना पढ़ने में। तो फी, फील बही थी, फील बही थी, तो फिल बैत, ऐसा पढ़ेंगे जैसे कि या यहाँ पे है ही नहीं, पढ़ने में अकायदा। ठीक है, तो पढ़ने का अकायदा यहाँ पे आ गया। और सबसे मेजर चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, फी लगने से अल बैतु से क्या हो जा रहा है? फिल बैती। तो फील बैती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फिल बैती, फिल बैती। तो फी के पास क्या ताकत है क्या करने का? मरफू से मजरूर कर देने का। किस पर वो इफेक्ट, किस पर वो काम करता है, उसके बाद किस पर वो काम कर, ये फी जो है काम किस पर कर रहा है, इसम पर या फेल पर? इसम पर काम करता है। हाँ, तो हर्फ, ये हर्फ है फी, फी काम कर रहा है किस पर?
اسم پر. اسم کے پہلے اگر فی آ جائے گا تو اسم کیا ہو جائے گا؟ مرفوع سے مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو فی میں وہ طاقت ہے. فی کا مطلب کیا ہے؟ ایک میننگ پکڑیں گے تو فی کا معنی کیا ہوگا؟ میں, ان. ٹھیک ہے, ویسے فی کا معنی اور بہت سارا ہے لیکن یہاں پہ فی کا مطلب کیا ہے؟ ان. البیتو مطلب کیا ہے؟ گھر. تو کیا ہو جائے گا؟ گھر میں. انگلش میں کیا ہوگا؟ ان دا ہاؤس. دا ہاؤس کیوں؟ الف لام ہے یہاں پہ, ان دا ہاؤس. ٹھیک ہے, ویسے اردو میں گھر پہ کہا جاتا ہے تو اردو اعتبار سے پڑھیں گے تو گھر پہ ہو جائے گا, لیکن یہاں معنی کیا ہے؟ عربی اعتبار سے فی پڑھا جاتا ہے. فل بیتی, فل بیتی. فی کا ایک اور معنی ہوتا ہے بارے میں بھی ہوتا ہے, کنسرننگ. ٹھیک ہے, فی کا ایک اور معنی ہوتا ہے امنگ. تو کتنا سارا الگ الگ میننگ ہے. ٹھیک ہے, فدخلی فی عبادی, داخل ہو جاؤ اب میرے بندوں کے بیچ. فی عبادی, بندوں میں تو داخل نہیں, بندوں کے بیچ داخل ہو جاؤ, یہ معنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک سوال ہے, یہ جو فی جو ہے وہ مرفوع کو جو مجرور کر دے رہا ہے, یہ صرف اسم میں ہے, اسم میں ہوتا ہے. ہاں, تو فی حرف, یہ جو حرف ہے نا وہ اسم کے پہلے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, معنی وہ اس کے, ہاں ایسے کسی اور نہیں. فی جو ہے, فی کے بعد کیا ملے گا آپ کو؟ اسم ملے گا. ٹھیک ہے, فی کے بعد اسم ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, فل بیتی, فی آنے سے. ٹھیک ہے, اور یہ پڑھنے کا بلو میں ضرور بتا دیا پڑھنے کا. اچھا, وہ آپ لوگ کو پتا, قرآن جو پڑھتے ہیں آپ لوگ کو معلوم, پھر بھی ایک قاعدہ بتا دی. کوئی پوچھے گا کیوں ڈراپ کرتے ہیں؟ کیونکہ دو سکون ایک ساتھ مل جا رہا ہے, اور دو سکون جب ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے پڑھ نہیں سکتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, تو لانگ واول کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. لانگ واول کھینچنے والا کیا ہے؟ یا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بتا, التقاء الساکنین, دو سکونوں کا ملنا, التقاء ہونا. تو فل بیتی. ٹھیک ہے, ان دا ہاؤس. اب نیچے آئیے, اعلیٰ میں یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کون سا حرف ہے؟ یہ یا ہے, لیکن یا پر نقطہ ہے نہیں ہے, تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الف کی طرح. کیا کہتے ہیں اس یا کو؟ الف مقصورہ. ٹھیک ہے, الف مقصورہ. نقطہ نہیں جائے گا تو الف مقصورہ پڑھیں گے, الف پڑھنا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بھی سیم قاعدہ, کچھ آپ الف ہے نا یہ, تو اس کا مطلب, اور یا ہے بغیر نقطہ یعنی الف ہے, تو اس کا مطلب اس کا اس پر بھی کیا ہے؟ سکون ہے. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ سیدھا چھلانگ ماریں گے کہاں پر؟ لام پہ. لام فتح سے چھلانگ کہاں مارا جا رہا ہے؟ لام پر. جیسے یہ اس کا یا نہیں پڑھے تھے, ویسے اس کا بھی یا الف نہیں پڑھا جائے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ علل. علال نہیں پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ علل. علل مکتبی, علل مکتبی, علل مکتبی, معنی مکتب پر. آن دا ٹیبل یا اپون, آن یا اپون کی میننگ میں آتا ہے اعلیٰ. ٹھیک ہے, اعلیٰ کا میننگ اگینسٹ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, خلاف, اگینسٹ. ٹھیک ہے, تو فل بئی تھی. تو بیسک میننگ, جب کتاب میں ترجمہ لکھا رہتا ہے نا, تو میننگ کیا لکھا رہے گا؟ بیسک میننگ, جنرک میننگ. عام میننگ کیا ہے؟ اعلیٰ کا پر. ٹھیک ہے, لیکن وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے, سیاق کو سباق کے اعتبار سے اس کا میننگ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ورڈ ٹو ورڈ سے کوئی قرآن صحیح سے تھوڑا ہیلپ کرے گا, لیکن جو ورڈ ٹو ورڈ قرآن ہوتا ہے نا, ورڈ ٹو ورڈ قرآن, یہ لفظ کا یہ میننگ, یہ لفظ کا یہ نہیں میننگ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ذالک کا یہ میننگ, الکتاب کا یہ میننگ, لا کا یہ میننگ, ریب کا یہ میننگ, فیہ کا یہ میننگ, اس طریقے سے. تو یہ سب کچھ ہیلپ کرے گا آپ کو, لیکن پرفیکشن اس میں نہیں آ سکتا. اب کبھی کبھی اس سے معاملہ کو الجھا دے گا اور یہ الٹا ہو جائے گا معاملہ. ٹھیک ہے, تو اسی لیے گرامر سے سمجھنا ضروری ہے. تو فل بیتی علل مکتبی, میز پر, ٹیبل پر. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہم لکھائیں گے, ٹرانسلیشن جب لکھیے گا کتاب میں آپ, تو دونوں میں لکھ لیا کریے گا, انگلش میں بھی لکھ لیجیے گا ٹرانسلیشن, اور اردو ہندی میں بھی اپنے اسٹائل میں لکھ لیجیے گا. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, انگلش میں پورا میننگ سمجھ میں نہیں آتا, اردو بھی رہے گا تو تھوڑا صحیح رہے گا. کبھی کبھی اردو میں پورا میننگ سمجھ میں نہیں آتا, انگلش اردو ملا کے لکھیے گا تو اور آپ کو میننگ تھوڑا کلیئر رہے گا. ہاں پر, ٹھیک ہے, ابھی اور آگے آ رہا ہے. تو فل بیتی اور علل مکتبی. تو اس کے بعد, تو اعلیٰ بھی کیا ہے؟ حرف ہے, ایسا حرف ہے جو کیا کرتا ہے؟ مرفوع سے مجرور کر دے گا. فی اعلیٰ میں طاقت ہے مرفوع سے مجرور کر دینے کا. آگے من. ٹھیک ہے, من کے بعد کیا ہے؟ من ہے, اور کیا ہے؟ الہندو. تو من بھی وہ ایسا ہی حرف میں سے ہے
तो जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, मिन और अल हिंदी, ठीक। अच्छा यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे था नून और लाम में डबल सुकून है, नून में भी सुकून है लाम में भी सुकून, फिर कैसे पढ़ा जाएगा, इसका हल क्या होता है, पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं उसको फतह भर देते हैं, मिनल, ठीक है। तो मिन में कभी कभी कुरान पढ़िएगा आप तो मीना लिखा रहेगा, लेकिन वो मीना पढ़ने के लिए है, एक्चुअली में क्या है, सिर्फ मिन है, मिनल जिन्नति वन्नास, तो असल में मिन है वो, मिन है, और लेकिन अलिफ लाम आ गया उसके बाद में, वस्ल करना है हमको, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, मीना पढ़ देंगे, मिनल, तो मिनल हिंदी, इंडिया से, फ्रॉम इंडिया, ठीक है, मिनल हिंदी, क्लियर समझ में आ रहा अब तक। अब आगे आइए, इला, इला का मतलब क्या होता है, इला का मतलब टू इंग्लिश का, या टूवर्ड्स, उर्दू में क्या माने हो सकता है, तक या तरफ, ठीक, इस तरह का माने आए तो इंग्लिश में मीनिंग लिख लिया करिएगा, या याद रखिएगा जहन में, और उर्दू में भी थोड़ा सा मीनिंग और क्लियर होगा, अच्छा इला का क्या क्या मीनिंग हो सकता है। तो इला, तो या इसको कैसा पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ भी सेम चीज है, ये भी क्या है, सुख सीन में भी क्या है, तजदीद है इसका, शद्दा है इसका, मतलब क्या सुकून इस पर भी है, सुकून है और फिर दम्मा है, तो जाहिर सी बात इसको भी क्या करेंगे, ये जो अलिफ है ना ये भी इला, जैसे आला में था ये, वैसे इला में है, ये भी क्या अलिफ मकसूरा बगैर नुक्ता वाला, या तो क्या करेंगे इसको सीधा छलांग मानेंगे लाम से सीधा, ना ये पढ़ा गया और ना ये पढ़ा गया, क्यों नहीं ये पढ़ा गया लाम भी यहाँ पे, क्योंकि सीन क्या है, हाँ हरूफ शमसी में से है, तो यहाँ पे ना ये पढ़ा गया, ना ये पढ़ा गया, ना या पढ़ा गया, ना हमजतुल हमजा पढ़ा गया, और ना लाम पढ़ा गया, ठीक है। एक एक जो नहीं पढ़ा जा रहा सबका कारण है, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, वो कारण जानना जरूरी है, ये नहीं पढ़ा गया क्यों, क्योंकि ये दो सुकून आ जा रहा है इसके वजह से, हमजतुल वस्ल क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हमजतुल वस्ल है वो, शुरू में आएगा तो पढ़ेंगे, कहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। लाम क्यों नहीं पढ़ा गया, क्योंकि क्या हुरूफ है शमसी में से, ठीक है, देखिए कायदा है क्यों नहीं पढ़ा गया, तो कैसा पढ़ेंगे उसको हम लोग, इलस सूकी, ठीक है, इलस सूकी माने टू द मार्केट, टुवर्ड्स द मार्केट, मार्केट के तरफ, ठीक है, मार्केट तक, बहुत सारे मीनिंग हो सकते, तरफ और तक में फर्क है ना, तो कभी कभी उर्दू में हम लोग तर्जमा करेंगे, देखिएगा कि उर्दू में असल में कभी कभी इला का माने का तर्जमा करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है, जब हमको कहना है कि वो मार्केट गया, तो उर्दू में क्या करते हैं, वो मार्केट, वो गया मार्केट, तो कुछ इला की तरह तक तरफ नहीं लाते उर्दू में हम लोग, ठीक है, ऐसा भी होता है इंग्लिश में, लेकिन लाना पड़ा, ही वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पर फेल हम लोग करेंगे, यहाँ पर ज़हबा जैसा आएगा अभी आगे, ज़हबा मतलब ही वेंट, ज़हबा कहाँ गया वो, इलस सूक, ही वेंट टू द मार्केट, तो उर्दू में तर्जमा करेंगे ज़हबा का तो क्या होगा, वो मार्केट गया, इला का तर्जमा ही नहीं हुआ उर्दू में, ठीक है, ऐसा चीज भी आएगा कभी कभी, इला रहने से भी उर्दू में तर्जमा नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा चीज भी आ सकता है, तो आप जैसे जैसे प्रोग्रेस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ट्रांसलेशन करना कितना मुश्किल काम है दुनिया में, खास करके अरबी से किसी जुबान में ट्रांसलेशन करना, ठीक है, जो ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते हैं कुरान का तर्जमा, वो असल में कुरान का तफसीर होता है, ठीक है, तर्जमा का एक मीनिंग होता है तफसीर करना, तर्जमा जब इंसान कर रहा तो तफसीर मतलब कुछ फहम ना बता रहा, उसका जो फहम अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बता रहा, तो तर्जमा भी असल में क्या होता है, वो तफसीर है एक किस्म का, ठीक है, इंटरप्रिटेशन तफसीर है, तो फिल बैती अलल मक्तबी मिनल हिंदी इलस सूकी, चार हर्फ हम लोग किए हैं यहाँ पे, ठीक है, चार हर्फ किए हैं, चारों हर्फ का क्या है, अपना मीनिंग है, लेकिन चारों हर्फ में कॉमन क्या है बात है, चारों हर्फ में क्या कॉमन बात है, मरफू को मजरूर कर देता है, हाँ ठीक है, ये चारों हर्फ का कॉमन है बात है कि ये मरफू को क्या कर देता है, मंसूब मजरूर कर देता है, तो इसका कुछ नाम भी होना चाहिए, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, जर, ठीक है, ठीक है, हर्फ जर कहेंगे इसको, वक्फ करके पढ़ा जाए अगर क्या पर, एक 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 का इंडिविजुअल हर्फ, हर्फ जर रिन, हर्फ जर रिन वक्फ करेंगे, हर्फ जर ये कहेंगे हम लोग, ठीक है, हर्फ जर, ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं,
क्या हो क्या आएगा ये जरूर से जर आया है क्या हाँ मजरूर से ठीक है जर जर वाली हर्फ जर का हर्फ मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ और बाकी है जर का हर्फ मतलब मजरूर करने वाला हर्फ ठीक है पार्टिकल ऑफ पुलिंग डाउन एन इस्म हर्फ मतलब पार्टिकल तो फी अला मिन इला क्या ये सब हर्फ है क्यों फी का मतलब क्या मे पर से तक तो क्लियर नहीं है ये डिपेंडेंट है इसका मीनिंग किस में ठीक है ऑन द फॉलोइंग वर्ड देखिए हाँ तो इसम आ रहा है तो इसम जब इसम आएगा तब जाके मीनिंग क्लियर होता है अच्छा घर में मेज पर हिंदुस्तान से बाजार की तरफ ठीक है तो ये क्या है चारों हर्फ जर क्यों कहा गया उसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये मरफू से मजरूर कर देता है इसलिए इसको हर्फ जर कहा गया है चारों का अपना अपना मीनिंग है तो अब ये जो लफ्ज है यहाँ पे आप देख रहे हैं